पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी का कहना है कि पीसीबी का दो टोक मौकफ है कि हम एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगु करते हुए नजम सेठी ने कहा कि एशिया कप के लिए जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेला तो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा। भारत से कह दिया है कि हमारी हुकूमत और आवाम हमारे इस मौकिफ की तायद करती है, अब नहीं आते तो हम वहां कैसे जाएं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम यूसुफ का कहना है कि भारत का एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार सख्त फैसला है। अगर भारतीय टीम अपने फैसले पर बरकरार रहती है तो फिर पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। सलीम यूसुफ का कहना है कि भारत का एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार सख्त फैसला है। कराची में जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में सलीम यूसुफ ने कहा कि क्रिकेट में एकतरफा फैसले नहीं किए जाते। पाकिस्तान कोई मामूली टीम नहीं है, इसका शुमार दुनिया की टॉप टीमों में होता है। सलीम यूसुफ ने कहा कि शायकीन क्रिकेट पाक भारत मैचेस देखना चाहते हैं। अगर भारत ये समझता है कि वो बड़ी टीम है और वो पाकिस्तान नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सभी टीमों ने पाकिस्तान आकर सीरीज खेली। भारत को भी पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलना चाहिए। शायकीन क्रिकेट दोनों ममालिक को एक साथ खेलता देखना चाहते हैं। एक सवाल पर साबिक विकेट कीपर बीटर सलीम यूसुफ ने कहा कि शाहीन शाह नौजवान बॉलर हैं जो अभी इंजरी से वापस आए हैं, उन पर कप्तानी या नायब कप्तानी का बोझ डालना मुनासिब नहीं होगा। उनकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, उन पर अभी ये दबाव नहीं डाला जाए। बिलाशुबा शाहीन की क्यादत में लाहौर कलंदर्स ने लगातार दो बार पीएसएल टाइटल जीते, लेकिन उन पर ये बोझ सूदमंद साबित नहीं होगा।